दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों एक काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है राजस्थान हाई कोर्ट से। पूरा मैटर क्या, मैं समझा देता हूँ एक बार आपको। जब एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर किया था तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके साथ इस बार काफी गलत हुआ, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट, उनके नंबर 580, 600, 640 थे, लेकिन एनटीए की गलती से वो नंबर कम हो गए और बच्चों को रिजल्ट में 180, 200, 250 नंबर्स मिले। अब क्योंकि समय बदल रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स जो जागरूक हैं वो कोर्ट चले गए। मेरे वीडियो बनाने के बाद मेरे बहुत से पेरेंट्स से बात हुई थी और मैंने सबको सजेस्ट किया था कि आपको सेल्फ से फाइट करनी पड़ेगी। इस पूरे मैटर पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट आई है वो आई राजस्थान हाई कोर्ट से। एक बच्चा राजस्थान से था, उसने वहां केस फाइल किया था और अब उसकी सुनवाई हुई है, जहां पर राजस्थान हाई कोर्ट ने एनटीए से बोला है कि आप इस पूरे मैटर पर ऑफिशियल क्लियरेंस दें कि आखिर ये गलती कैसे हुई। अब क्या संभावना है रिजल्ट का, बता दूं कि इस बच्चे को पूरा न्याय मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट का मैटर है, इसको एनटीए हल्के में नहीं लेगा, वो अपनी गलती एक्सेप्ट करके बच्चों को नंबर देगा। क्योंकि 2020 में ऐसे हुआ था जहां पर एक बच्चे को उसके एक्चुअल नंबर 580 आ रहे थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिजल्ट उसके नंबर लगभग 200 समथिंग थे। बच्चा दिल्ली हाई कोर्ट गया था और वहां उसको जो है न्याय मिला, उसको 580 नंबर्स मिले और अभी वो MBBS कर रहा है। अब कहने का मतलब सिंपल सा है, जिन बच्चों ने कोर्ट केस किया है तो उनके नंबर बढ़ सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगली केस कहां पर है, किस स्टेट में है। उससे पहले एक वो बच्चे जो कि अभी क्लास फर्स्ट ईयर में या ट्वेल्थ में है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए एक छोटी सी प्रमोशन वीडियो। आप सभी को पता है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उस कंडीशन में आपको NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। अब सवाल यह आता है सर NCERT को हम पढ़ें उसके बाद क्या करें, तो पढ़ाई के साथ में आपको जो है नीट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो कि NCERT के बेस्ड हो। अब सवाल यह आता है कि सर हम ऐसी बुक कहाँ से अरेंज करें, तो देखिए आपको ना तो बुक अरेंज करना है ना कहीं घर से बाहर जाना है। सिंपल सा आपके सवाल का आंसर है MIMO NEET। जी हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं लगभग 30,000 से अधिक क्वेश्चन जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट ऑप्शन क्या है, सब कुछ बताया जाएगा आपको। बिल्कुल कहते हैं ना कि बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आप NCERT की बुक को सीख सकें, उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नीट एग्जाम में अपेयर हों और अच्छा स्कोर करें। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है जहाँ पर आप जो है उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड Dr25 यूज़ करेंगे तो आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगा सब्सक्रिप्शन लेने में, 300 का आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपको जो पैक की वैलिडिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सभी बच्चे जिनका सपना है डॉक्टर बनने का, आप सभी फटाफट जो है डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को डाउनलोड करें, अच्छे से प्रिपरेशन करें और जो आपका सपना डॉक्टर बनने का है उसको पूरा करें। थैंक यू सो मच। आपने देखी पहली अपडेट वो थी राजस्थान की, अब आपको बताता हूँ दूसरी अपडेट, ये है दिल्ली हाई कोर्ट की। यहाँ पर अंजलि नाम की एक नीट एस्पिरेंट ने केस फाइल किया है और जल्दी ही इस पर सुनवाई की जाएगी, ठीक है। जब के सामने कंप्लीट डिटेल है, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो UP से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं, सभी ने अपने अपने होम स्टेट में केस फाइल किया है और मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने ये अधिकार पाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया है उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री यही कहती है कि जिन बच्चों के पास उनकी ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट है, उनकी आंसर की है और उनके नंबर ज़्यादा थे तो उनको उनके नंबर्स NTA को देने पड़ेंगे। प्रीवियस कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ था और उनको MBBS मिला है, आपको भी MBBS मिलेगा। तो ऐसे बच्चे जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके पास प्रूफ है, तो आप प्लीज़ जो है कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको आपके एक्चुअल नंबर्स चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो वो आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए इस छोटी सी अपडेट में इतना ही। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।